नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और अभी मैं हूँ ऑटो एक्सपो 2023 में। और ऑटो एक्सपो में हम आए और आपको कॉन्सेप्ट कार्स ने दिखाई बिल्कुल अलग अलग से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं लेक्सस के हॉल में हूँ और मैं आपको यहाँ पे लेक्सस की जो कॉन्सेप्ट कार है उनके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो गाड़ी है उनकी जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और किस तरह का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है। तो आइए आप चलते हैं गाड़ी के पास। तो ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। LF30 इस गाड़ी को, इस कॉन्सेप्ट को जो नाम है वो दिया गया है। सामने से आपने कुछ एक लुक्स इसकी देख ली। अब मैं थोड़ा टायर आप इसका देखिए, टायर साइज़ कितना ज़्यादा अच्छा है। अलॉय इसकी जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। आप थोड़ा इंटीरियर्स आप इस गाड़ी के देखिए किस तरह के इंटीरियर्स आपको मिल रहे हैं। ये आपको सीट्स यहाँ पे दी गई हैं और वो आपको वहाँ पे स्टेयरिंग दिया गया और ये आपको पीछे वाली सीट्स हैं। LF30 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टायर आप देखिए भाई कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गुडियर के टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं और रियर से आप एक बार इस गाड़ी को देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। यहाँ पे लेक्सस की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी और LF30 यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो लुक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी लग रही है। ये आपको टेल लाइट्स वगैरह है तो इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये गाड़ी लग रही है। इवन डोर्स को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं और ऊपर की तरफ जो ग्लास का साइज़ है वो काफ़ी मैसिव यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ग्लास आपको देखने को मिलेगा और डोर्स की ओपनिंग उस तरह से है, तो इस तरह से इस वजह से आपको इस तरह का ये डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार फ्रंट फेशिया आप इस गाड़ी का देखेगी सामने से किस तरह की आपको ये गाड़ी यहाँ पे लगने वाली है। जो सामने की लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इस कलर के साथ में ये जो ब्लैक कलर है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट इसको कर रहा है। और यहाँ पे सामने की तरफ ये स्पेस है और यहाँ पे लेक्सस की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल जो लुक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट किस तरह का लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा और कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइएगा। अब मैं लेके चलता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट के पास। अभी ये RX खड़ी है यहाँ पे, लेक्सस RX। अभी इसका अनवील नहीं किया है, अभी इसका अनवील होने वाला है थोड़ी देर बाद। अगर यहाँ रहे तो इसको भी मैं दिखाने की ट्राई करूँगा। अब ये जो है ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका कलर आप देखिए भाई, जो कलर से यूज़ करते हैं ना इन कॉन्सेप्ट कार में, ये सिल्वर कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे ये जो कलर यूज़ किया गया है ये अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट इसको जो ये ब्लैक ट्रीटमेंट है ये कर देती है। यहाँ पे आप इसकी लाइट्स आप देखिए किस तरह की लाइट्स आपको यहाँ पे ये मिलती है। LED लाइट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, इंडिकेटर वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। लेक्सस आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेक्सस का लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी लग रही है। और ऊपर की तरफ जो रूफ़ आप देखते हैं तो ब्लैक आपको रूफ़ यहाँ पे दी गई है। टायर साइज़ आप देखिए कि टायर साइज़ कितना ज़्यादा मैसिव यहाँ पे रखा गया है। अलॉय व्हील्स जो है वो ब्लैक फिनिश के साथ आपको दिए गए हैं। ब्रिस्टोन के टायर्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव ये गाड़ी लग रही है। ORVMs आप देखिए किस तरह के स्लीक ORVMs आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब एक बार चलते हैं गाड़ी के रियर में। रियर से मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका जो कोड नेम दिया गया है LFZ, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन LFZ इसको कोड नेम यहाँ पे दिया गया है। रियर से आप इसको देखिए तो किस तरह की आपको ये टेल लाइट्स यहाँ पे दी गई है। लेक्सस लिखा है, इलेक्ट्रीफाइड डायरेक्ट 4 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये लोअर पार्ट आप देखते हैं, जो लोअर पार्ट इसका है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और शार्क फिन एंटीना आप देखिए किस तरह का आपको ये ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पे यूज़ किया गया है शार्क फिन एंटीना में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट कार्स किस तरह की लगी कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।